इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने स्टेचुटरी बॉडीज देखा था रेलवे में, उसमें हम लोगों ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया था। 1872 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो मोटो है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का, यशो लभस्व यानी अटेन ऑनर यानी सम्मान प्राप्त करो, ऐसा इसका मोटो है। ये आपको ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। मोटो यानी आदर्श वाक्य। फंक्शन, जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है वो करती क्या है, रेल के अंदर जो एंटी थेफ्ट माने चोरी चकारी ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, ठीक है, पैसेंजर का प्रोटेक्शन वगैरह करना, ये सब इसका जो है काम है। किसी प्रकार का कोई इलीगल एक्टिविटी ना हो, तो विद इन ट्रेन कोई एक्टिविटी जो होती है और इवन जो प्लेटफॉर्म में जो कोई इलीगल एक्टिविटी होती है उसको रोकने का काम आरपीएफ करती है, ठीक है। अब एक और बॉडी होती है गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, या इसको गवर्नमेंट रेलवे पुलिस फोर्स जीआरपी या जीआरपीएफ भी कहा जाता है। ये जो जीआरपी है, ये जो आरपीएफ में जो पुलिस फोर्स होती है वो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट की है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की है, लेकिन जो जीआरपी होती है वो स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस होती है। इसका काम क्या होता है, ये जो आरपीएफ वाले होते हैं ये एफआईआर का रजिस्ट्रेशन नहीं करते, ठीक है। तो हम लोग ये देखते हैं कि जो गवर्नमेंट रेलवे पुलिस है ये क्या करती है, रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। कहीं भी चाहे ट्रेन में या रेलवे स्टेशन में कोई मामला हुआ हो उसकी एफआईआर आरपीएफ नहीं करती, जीआरपीएफ करती है, ठीक है। फिर उस एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन और प्लेटफॉर्म में और ट्रेन के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना जीआरपीएफ का काम है, ठीक है। तो ये दोनों के फंक्शन में हमें थोड़ा सा डिफरेंस समझना है। ये जो गवर्नमेंट रेलवे पुलिस है ये हर स्टेट गवर्नमेंट की अलग अलग होती है, ठीक है। और जो उसकी फंडिंग का पैटर्न होता है, मान लीजिए साल भर में मध्य प्रदेश सरकार को जीआरपी में 100 रुपए का खर्च होता है तो उसमें 50 रुपए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे देती है और 50 रुपए उस स्टेट गवर्नमेंट को खुद लगाना पड़ता है, ठीक है। तो हमने ये जीआरपी में और आरपीएफ में दोनों में हमने अंतर समझ लिया, ठीक है। अब आरपीएफ के कुछ लेडी स्क्वाड भी बनाए हैं जो खास करके लेडी कंपार्टमेंट में, लेडी कोचेस में, ये जो लेडी स्पेशल ट्रेन चलती हैं उनमें ये लेडी स्क्वाड को वहां पर रखा जाता है, ठीक है। इन लेडी स्क्वाड के कुछ नाम है, भैरवी, वीरांगना, शक्ति एक्सेट्रा। अगर कभी परीक्षा में आ जाए तीनों की भैरवी, वीरांगना एंड शक्ति क्या है, तो ये आरपीएफ के लेडी स्क्वाड है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत कुछ ऑटोनोमस बॉडीज, स्वायत्त संस्थाएं जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में काम करती हैं। पहला है सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप, शॉर्ट में इसको कहा जाता है COFMOW। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, ठीक है। तो इसके नाम से ही पता चल जाता है कि जो हमारे वर्कशॉप है रेलवे के, जहां पर वैगन एक्सल या जो कुछ भी उसके इंस्ट्रूमेंट बनते हैं उसके मॉडर्नाइजेशन, उसमें और क्या नई टेक्नोलॉजी लाई जा सकती है उसके लिए संस्था काम करती है। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन अलाहाबाद या प्रयागराज में इसका हेडक्वार्टर है। इसका काम जो रेलवे लाइन है उसके लिए इलेक्ट्रिफिकेशन की सुविधाएं करना इसका काम है। तीसरा है कमीशन ऑन रेलवे सेफ्टी। ये जो कमीशन ऑन रेलवे सेफ्टी है ये आपको ध्यान रखना है, ये करती तो रेल के लिए काम है लेकिन ये रेलवे मिनिस्ट्री की बॉडी नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में आती है। बात समझ आई? तो ये जो कमीशन ऑन रेलवे सेफ्टी है ये आपको ध्यान रखना है, रेल की सुरक्षा के लिए काम करती है लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत नहीं आती। किसके अंतर्गत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। चौथे नंबर की ऑटोनोमस बॉडी है इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। जो रेलवे प्लेटफॉर्म वगैरह होते हैं, रेलवे स्टेशन होते हैं, उनके डेवलपमेंट, उनके मॉडर्नाइजेशन के लिए काम करती है। और ये एक ज्वाइंट वेंचर है रेलवे का जिसको दो संस्थाओं ने मिलकर बनाया है, एक है इरकॉन और दूसरा है आरएलडीए। इरकॉन भी हम पहले पढ़ चुके हैं और आरएलडीए रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये चार ऑटोनोमस बॉडीज हो गई। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में काम करती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में रेल का वैगन एक्सल ड्रम ब्रेक बोगी कोच कंपार्टमेंट ये सारी चीजें वो बनाती है, ठीक है। पहली संस्था है भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो संस्था है
ये केवल रेल के लिए काम नहीं करती, ये बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बनाती है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट बनाती है, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, और ये रेलवे मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के अंतर्गत है, भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ये संस्था है। रेल के लिए ये दो चीजें बनाती है, नंबर एक रेलवे मोटर और नंबर दो लोकोमोटिव्स। लोकोमोटिव्स माने इंजन वगैरह बनाना, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। चलिए दूसरी संस्था है भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, ठीक, ये भारत की सबसे बड़ी वैगन बनाने वाली संस्था है भारत की, ठीक है। अब यहां पर मैं आपकी जानकारी के लिए लिखा है कि बोगी में, कोच में और वैगन में, वैगन को रेक भी कहा जाता है आरेके ही, तो इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो बोगी, जैसे हम लोग रेल में, रेल के डिब्बे में बैठते हैं, तो उसका जो लोअर स्ट्रक्चर होता है, जिसके ऊपर वो डिब्बा फिट है, जिसमें हम लोग बैठते हैं, अगर उस डिब्बे को निकाल दें तो नीचे क्या मिलेगा हमें, नीचे हमें मिलेंगे पहिए, एक्सल, ड्रम, ब्रेक और भी जो कुछ पूरा सेटअप होता है, ठीक है, चेसिस कहते हैं जिसको, बॉडी, उसको कहा जाता है बोगी, लोअर बेस। उसके ऊपर फिर हम लोग ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं, जिसमें हम लोग सीट लगाते हैं, पंखा लगाते हैं, सारी व्यवस्था लगाते हैं, जिसमें पैसेंजर जाकर के बैठते हैं, उसको कहा जाता है कोच। तो नीचे का हिस्सा बोगी, ऊपर का हिस्सा कोच, और नीचे और ऊपर दोनों के मिलाकर के हिस्से को कहा जाता है वैगन या रे, आर ए के ई, ठीक है। तो बोगी प्लस कोच इज इक्वल टू वैगन, तो ये हमने तीनों में अंतर भी समझ लिया। ओके चलिए तीसरी संस्था हम लोग समझते हैं, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। ये पश्चिम बंगाल में चितरंजन एक जगह है, वहीं पर इसका हेडक्वार्टर है। इसका काम क्या है, ये इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनाती है। अब LMLM जहां आएगा वो लोकोमोटिव, लोकोमोटिव का मतलब है इंजन, तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनाती है, और ये भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा नंबर्स में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनाने वाली संस्था है, ठीक है। तीसरे नंबर पे डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री, मार हावड़ा बिहार में, हावड़ा तो बंगाल में है लेकिन मार हावड़ा बिहार में। फिर है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी में है। और ये जो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में है, ये 2019 अप्रैल 2019 तक तो डीजल वाले इंजन बनाती थी, यानी डीजल वाले लोकोमोटिव बनाती थी। अब ये दो काम करती है, पहला ये इलेक्ट्रिक इंजन बनाती है, और दूसरा डीजल वाले इलेक्ट्रिक इंजन को इलेक्ट्रिक वाले इलेक्ट्रिक इंजन में कन्वर्ट करती है। बात समझ में आ गई। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो इंडिया ने प्राप्त किया है कि डीजल से चलने वाले इंजन को हमने इलेक्ट्रिक से चलने वाले इंजन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब हम धीरे धीरे जो रेलवे है उसको 2023-24 तक हमारा टारगेट है कि हम 100% इलेक्ट्रिफिकेशन प्राप्त करेंगे डीजल से। कोयले से तो बहुत पहले हमने रेल को चलाना बंद कर दिया, अब जो रेल चल रहे हैं वो या तो डीजल से चल रहे हैं या इलेक्ट्रिक से चल रहे हैं, ठीक है। अभी लगभग 51% रेल भारत में इलेक्ट्रिक से चल रहे हैं। 2022-23-24 तक हमारा टारगेट है कि हम 100% इलेक्ट्रिफिकेशन रेलवे सेक्टर में लेकर के आएंगे। तो इसके लिए ये जरूरी है कि हमारे जितने डीजल वाले लोकोमोटिव हैं, एक तो हम उनका प्रोडक्शन बंद कर दें, दूसरा जितने डीजल वाले हैं उनको हम इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर दें। तो ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी इंडिया ने अचीव किया है, क्योंकि अगर डीजल को हम इलेक्ट्रिक में नहीं बदल पाते तो हमारे डीजल वाले सारे जो इंजन है या तो वो बेकार हो जाते, या फिर हम 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट सेटअप नहीं करते, हम कुछ ना कुछ उन इंजनों को जो डीजल से चलते हैं वो चलाते ही रहेंगे, ठीक है। खैर ये बात समझ में आ गई। अगला है डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क्स पटियाला। यहां पर भी जो डीजल वाले इंजन थे उनको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने का काम यहां पर भी किया जाता है। फिर है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री मधेपुरा बिहार। फिर है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर। पेरम्बूर कहां पर है, चेन्नई के पास, ठीक है। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री भारत की सबसे बड़ी कोच बनाने वाली फैक्ट्री, ठीक है। और कोच का मतलब क्या है मैं आपको बता दूं। इसके बाद है मॉडर्न कोच फैक्ट्री, रायबरेली उत्तर प्रदेश में है। फिर है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में है। कभी आप लोग ट्रेन वगैरह में बैठे तो वहां पर देखिए वो कोच कहां बना है, बिल्कुल जो फर्स्ट एंट्री गेट होती है, एक नंबर से जहां पर शुरू होती है, ठीक है, टॉयलेट की ठीक बाजू से, उसमें लगे होते हैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, तो उसमें पढ़िएगा तो उसमें लिखा रहता है कि ये जो कोच है ये पटियाला में बना है कि रायबरेली में बना है कि कपूरथला में बना है, कहां बना है लिखा रहता है, ठीक है। फिर है
रेल व्हील फैक्ट्री, ये है येले हंका, बेंगलोर के पास एक जगह है कर्नाटक में येले हंका, वहां पर इसको सेटअप किया गया है, ये रेल के पहिए बनाती है। फिर है रेल कोच फैक्ट्री सोनीपत हरियाणा, फिर है रेल व्हील प्लांट, ये भी पहिया बनाती है, बेला सारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में लोकेटेड है। तीतागढ़ बैगन्स, ये बैगन बनाती है पश्चिम बंगाल में, ये जगह ठीक है। 15वें नंबर पर है वर्म स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड कोलकाता, जिसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, ये भी बैगन वगैरह बनाती है। और 16वें नंबर पर है ब्रैथवेट एंड कंपनी लिमिटेड, ये भी कोलकाता में, ठीक है। तो इस प्रकार से मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर 14 है, लेकिन उसमें थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, 15 है, कितने 15, टोटल है 16 है, लेकिन उनमें से एक मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री में है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर टोटल प्रोडक्शन यूनिट या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 15 हो। बात समझ में आ गई, चलिए अब हमने ये जानकारी कर लिया, बोगी कोच और वैगन में हमने अंतर कर लिया। अब हम एक और जानकारी देखते हैं, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेस। भारतीय रेल में दो प्रकार की सेवाएं प्रमुखता होती है, एक होती है टेक्निकल सर्विसेज या इंजीनियरिंग सर्विस और दूसरी होती है सिविल सर्विस, ठीक है। तो पहले क्या होता था, अभी सितंबर 2019 में भारत सरकार ने कुछ नियमों में चेंज किया है। वो नियमों में क्या चेंज किया है उसको समझने के पहले हम देखें कि सितंबर 2019 से पहले रेलवे में जो भर्ती होती थी वो कैसी भर्ती होती थी, ठीक है, समझते हैं। रेलवे में जो भर्ती होती थी वो चार प्रकार की भर्ती, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ठीक। अच्छा, अब इसमें भी ये जो चार हैं, इन चारों में भी दो दो सेक्टर होते हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, टेक्निकल नॉन टेक्निकल। तो रेलवे के अंदर जो नॉन टेक्निकल भर्ती होती है ग्रुप सी और ग्रुप डी की, उसको भर्ती का काम करने का काम करती है, कल हम लोगों ने देखा था रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड होते हैं, ठीक है, 21 बोर्ड भारत में है और वो एनटीपीसी के नाम से भर्ती करती है। रेलवे में जो ग्रुप ए और ग्रुप बी क्लास की जो भर्तियां होती हैं उसकी दो कैटेगरी होती है, टेक्निकल एक नॉन टेक्निकल। टेक्निकल वाले को बोलते हैं इंजीनियरिंग सर्विस, नॉन टेक्निकल वाले को यहां पर बोलते हैं सिविल सर्विस। तो सितंबर 2019 से पहले भारतीय रेलवे की जो सेवाएं थी वो दो कैटेगरी की होती थी, एक इंजीनियरिंग सर्विसेस जिसमें एंट्री करने के लिए व्यक्ति को सिविल या मैकेनिकल या कोई ना कोई इंजीनियरिंग ब्रांच से तो ग्रेजुएट होना पड़ता था, दूसरा उसको IES इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस की परीक्षा पास करनी पड़ती थी। जब यह परीक्षा पास करके जाता था तो उसको रेलवे में इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंतर्गत ग्रुप ए और ग्रुप बी की सेवाएं मिल जाती थी। ये तो हो गई इंजीनियरिंग सर्विस। रेलवे में केवल इंजीनियरिंग का काम तो है नहीं, कुछ सिविल सर्विस भी जरूरी है। तो सिविल सर्विस आपके पास जो मैंने बुकलेट दिया है अपनी कोचिंग का, उसमें आप देखिएगा मैंने यूपीएससी कितनी सेवाओं के लिए भर्ती निकालता है, उसमें आपको मिलेंगे जो तीन सेवाएं हैं वो रेल से संबंधित है, IRTS इंडियन रेलवे ट्रांसपोर्ट सर्विस, दूसरा है इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, तीसरा है इंडियन रेलवे पर्सोनल सर्विस। तो ये तीन प्रकार की सर्विसेस हैं जो सिविल सर्विसेज के अंतर्गत आती हैं, और इन दोनों सेवाओं की जो भर्ती है वो यूपीएससी करती थी, उसके लिए एग्जाम देती, ठीक है। ये जो सिविल सर्विस का एग्जाम है ये सिविल सर्विस वाले के साथ में होता था और इंजीनियरिंग सर्विस की परीक्षा अलग से होती थी। यानी सितंबर 2019 से पहले रेलवे की जो सर्विसेज थी वो ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइडेड थी, दोनों कैटेगरी का एग्जाम अलग अलग होता था, दोनों का सिलेबस अलग अलग होता था, दोनों का पैटर्न अलग अलग होता था, दोनों का वर्क फील्ड अलग अलग होता था, ठीक है, एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करती। अब 2019 में सितंबर 2019 के बाद इन दोनों सर्विसेज को मिला दिया गया है और एक कंबाइंड सर्विस बनाई गई है जिसका नाम है इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। और ये इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस का एग्जाम अब अलग से होगा, यूपीएससी ही लेगी, और ये जो सिस्टम है ये 2021 से लागू होगा, ठीक है। अब ये सारे रिफॉर्म क्यों किए जा रहे हैं, इसके क्या फायदे हैं, हम लोग आगे चल करके समझेंगे, ठीक है। तो ये अभी हमने समझ लिया इंडियन रेलवे सर्विस, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, ठीक है। चलिए
कुछ और जानकारी लोग लिखते हैं, इंडियन रेलवे का मैस्कॉट, मैस्कॉट माने इंडियन रेलवे का मुखपत्र जो एकदम फ्रंट में दिखाई देता है। तो इंडियन रेलवे का मैस्कॉट है भोलू। ये भोलू कौन है? भोलू जो है एन एलिफेंट होल्डिंग अ ग्रीन लैम्प, एक हाथी है जो दो पैर से खड़ा है और दो पैर हाथ में ऊपर उठाया हुआ है, उसकी सूंड है और एक हाथ में वो लैंप लिया हुआ है जिसका कलर जो है वो ग्रीन है, और उस एलिफेंट का नाम दिया गया है भोलू, और यही भोलू इंडियन रेलवे का मैस्कॉट है। ठीक है, इस मैस्कॉट को इंडियन रेलवे ने कब अपनाया? एडॉप्टेड ऑन 16 अप्रैल 2002, 16 अप्रैल 2002 को इंडियन रेलवे ने इस मैस्कॉट को अपनाया। क्या था 16 अप्रैल 2002 को? भारत में पहली रेल जो है वो 16 अप्रैल 1853 में चली थी, तो 16 अप्रैल 2002 को 150 साल पूरे हो गए थे इंडियन रेलवे के ऑपरेशन की। इसी उपलक्ष्य में जो है इंडियन रेलवे का मैस्कॉट अपनाया गया। ठीक है, चलिए एक और जानकारी यहां पर हम देखते हैं, रेल राडार। क्या है रेल राडार? अ जीपीएस सिस्टम ऑफ इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे का अपना जीपीएस सिस्टम है जिसको रेल राडार कहते हैं। इसको डेवलप किया है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की एक आईटी बॉडी है क्रिस CRIS, और एक टेक्निकल बॉडी है रेल यात्री। ठीक है, तो रेल यात्री प्राइवेट कंपनी है और CRIS रेलवे की एक सरकारी कंपनी है, इन दोनों ने मिलकर के ये रेल राडार नामक संस्था जो है वो डेवलप किया है। ठीक है, यहां तक रेलवे के बारे में ये सारी जानकारी आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेलवे से जुड़ी हुई फिर उसके इंपॉर्टेंस इत्यादि के बारे में हम लोग बात करेंगे।